ट्रस्ट मी, आजकल की मतलब अभी तक की लाइफ में मैंने दिस इज द वर्स्ट फेज ऑफ यू नो टाइम आई हैव एवर सीन। दुकान में मुलाजिम 5 थे तो अब 2 ही रह गए हैं। माल अगर 10 लाख 20 लाख का होता था अब 5 लाख का रह गया। तो बिजनेस में जो कैपिटल था वो इरोड हो चुका है। अगर हम 100 रुपया 5 तक से पहले कमाते हैं, अभी 20 रुपया 25 रुपया अभी कमा रहे हैं। अब हम मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि पता नहीं, मतलब है ना एक उम्मीद है चलो हो जाएगा, बट बिजनेस टोटली कोलैप्स हो गया। हम अपनी पूरी लाइफ में सरकारी खजान भरते हैं, लास्ट में ऑटो वाला, टैक्सी वाला, बस वाला, टेम्पो ट्रैवल वाला, ये ज़ीरो होता है। इसके पास कुछ नहीं होता है, इसके पास कुछ नहीं होता है जनाब अली। देखिए अगर आर्टिकल से पहले का बिजनेस देखेंगे ना ठीक ठाक उतना भी नहीं था, बिकॉज वी हैव सम अनसर्टनिटीज। उससे भी पहले जो फ्लर्स थे, उसके बाद बुरहान वानी का इशू हो गया, उसके बाद बिजनेस आई मीन टूरिज्म बिल्कुल फ्लैट था। तो उसके बाद मेरे ख्याल 2018 में थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिला टूरिज्म का। तो उसके बाद 2019 में तो थोड़ा थोड़ा चल रहा था, बट आफ्टर एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल तो वो सारा एक चेंज हो गया, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस था सारा टूरिज्म पे था। अगर आपको याद होगा एक एडवाइजरी जारी होगी कि आप सारे टूरिस्ट आप निकलिए श्रीनगर से, मतलब सारे लोग परेशान हो गए कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। बट उसकी वजह से हम मतलब सड़क पे आ गए, हमारा जो बिज़नेस था, हमारा जो बिज़नेस वो सारा स्पॉइल हो गया। इनफैक्ट मेरे कुछ डील्स थे कस्टमर्स के साथ थी, लाइक वो भी सारा मतलब ऐसे हम बताएँ कि हम सड़क पर आ गए, मतलब सारा चेंज ही हो गया आर्टिकल के बाद। देखिए जी, 5 अगस्त से पहले जो बिज़नेस चल रहा था वो तो नॉर्मली जो कि स्लम था वो वैसे ही था, लेकिन वो बिज़नेस हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था। लेकिन जो 5 अगस्त का क्लैंप डाउन हो गया उससे इफ़ेक्ट काफ़ी हुआ, क्योंकि क्लैंप डाउन के बाद हमने मार्च में 4 खुलना था, उसके बाद ही पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तो दीज वेर मल्टीपल लॉकडाउन फॉर वी पीपल, क्योंकि रिटेल सेक्टर अभी तक इन मल्टीपल लॉकडाउन से निकल नहीं रहा है। उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग चलो ठीक है आर्टिकल हो गया आप तो कुछ डेवलपमेंट होगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग चलो वी विल गेट अ गुड बिजनेस। तो उसके बाद कोविड आ गया, कोविड की वजह से भी मतलब वी फेस बैक टू बैक सेटबैक्स, उसकी वजह से हम क्रिपल नहीं ख़त्म हो गए। अब हम मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे कि पता नहीं, मतलब है ना एक उम्मीद है चलो हो जाएगा, बट बिजनेस टोटली कोलैप्स हो गया। हुआ तो कुछ भी नहीं, जो दावे किए थे डेवलपमेंट का, ये टूरिज्म का एक चीज़ें, जब 5 अगस्त का ये हो गया, 5 अगस्त के बाद फिर कोविड आ गया, शिकारा वाले जो भी चीज़ें भी हैं सब अभी लॉस में। जिधर हम 100 रुपया 5 अगस्त से पहले कमाते हैं, अभी 20-25 रुपये अभी कमा रहे हैं। अगर उस वक्त हम 1000 कमाए, अभी 2-2.5-3 साल तक। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आवाज़ बुलंद कहता हूँ, हम तो कैजुअल लेबर नहीं हैं, हम डेलीवेजर नहीं हैं, हम 7th पे कमीशन नहीं मांगते हैं, हम ट्रांसपोर्टर हैं। हम अपनी पूरी लाइफ में सरकारी खजान भरते हैं, लास्ट में ऑटो वाला, टैक्सी वाला, बस वाला, टेम्पो ट्रैवल वाला, ये ज़ीरो होता है। इसके पास कुछ नहीं होता है, इसके पास कुछ नहीं होता है जनाब अली। रिटेल सेक्टर है, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट और टैक्सेस जनरेट करता है। तो उस पीरियड में भी हमने एम्प्लॉयज़ का जो पे था वो देना पड़ा हमें। उसके बाद जब भी लॉकडाउन क्लैंप डाउन उठा, उसके बाद हमारी इलेक्ट्रिक बिल्स आई, टैक्सेस आ गया, जितने भी ओवरहेड्स होते एक रिटेल सेक्टर को दुकानदार को चलाने में वो एकदम देने पड़े हमें। गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं आई, अलबत्ता एक मॉरेटोरियम आया था बैंकों की तरफ से कि इतने टाइम के दौरान 1 साल के लिए आपको एक स्कीम दी गई, जो कि RBI ने दे दी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के साथ ही। उसमें एक्सटेंशन ऑफ EMIs और वो किया था, और जिसको रिस्ट्रक्चरिंग किया था उसका भी एक ये दिया था, लेकिन ये नहीं है कि एक इन्फ्यूजन जैसा ऐसा कुछ नहीं मिला हमें जिससे हम रिवाइव कर लेते।
जो किसी आर्ट के साथ मुंसलिक हो, रिलेटेड हो, उसको चलाना काफ़ी टफ है, क्योंकि हमारा जो काम था वो मतलब टूरिज्म के साथ था, उसमें आर्टिज़न भी आते हैं, अपनी फैमिलीज आती हैं, उनकी फैमिलीज भी आती है, तो हमारे लिए इट वॉज लाइक कि बिलीव मी कि आई हैव सोल्ड सम यू नो वैल्यूबल आइटम्स, क्योंकि वो सेल करके मैंने अपनी ज़िंदगी का गुजारा करके समटाइम्स आई गॉट इट यू नो लाइक वो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, बैंक के थ्रू, मतलब फ्रेंड्स के थ्रू, वो कर्जा वर्जा करके हमने अपनी ज़िंदगी को मतलब वो ना वो पटरी पे लाने की कोशिश की, बट समहाउ कि लाइफ बहुत ही टफ है, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, लाइक जो गवर्नमेंट्स जो इंस्टीट्यूशन है किसी ने कोई हेल्प नहीं की, खाली बोरे करेंगे कुछ, किसी ने कुछ नहीं किया। 5 अगस्त के बाद नहीं, इनफैक्ट 3 अगस्त के बाद ही सारा रुक गया था 2019 में, और 4-5 महीने कंटिन्यूसली पूरा ही पहले बंद रहा। फिर हमने 5 दिसंबर को एक लॉस रिपोर्ट शाया किया था जिसमें हमने 18,000 के आसपास करोड़ के पास, इट वाज अराउंड $2.5 बिलियन जो बिजनेस लॉस, ऑलमोस्ट 25% ऑफ हमारी GDP थी वो इरोड हो गई थी उस टाइम पे। और जो बेरोज़गारी का मसला था, देखिए आपको हम ये बता दें, जब भी आपके बिजनेसेस लॉकडाउन में आ जाते हैं कोई भी रीज़न से, किसी भी वजह से, तो आपका जो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट, जो आपके रोज़गार होते हैं वो बेरोज़गार हो जाते हैं। तो एकदम उस वक्त 5 लाख लोग इमिजिएटली जॉबलेस हो गए। ऐसे कारीगर भी है, आर्टिज़न भी है, जिनको मतलब घर के जो सामान है ना, लाइक जो यूटेंसिल्स, तांबे के जो बर्तन, वो भी उन्हें भेजे, फिर उन्होंने अपने घर का गुजारा किया और कर्जा करके। पर ये कि मतलब काफ़ी मुश्किल होगी बहुत ज़्यादा। अब LG साहब ने किया था हम 2 महीने का 2,000 रुपये, कुछ को मिला कुछ को नहीं, भी नहीं मिला, 25% को मिला, 75% को अभी मिला नहीं, 1,000 में आ रहा है क्या है, अगर चाय में खर्चा करेगा 1,000 उसी में जाएगा महीने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता कैसे चले कि नुकसान कितना हो गया है, तो देन हमने उनसे सबमिट भी किया है अपना लॉस रिपोर्ट। और फिर 1 साल के बाद हमने एक पूरा 2 लॉकडाउन्स को दे दिया, 5 अगस्त 2019 से लेके 5 अगस्त 2020 तक, क्योंकि उसमें जनवरी फरवरी हमें थोड़ा ब्रीथिंग टाइम मिला, कुछ सेक्टर खुले, टूरिज्म तो एक इमिजिएटली खुलता नहीं, हैंडीक्राफ्ट में इंटरनेट बंद था, तो मार्च से फिर लॉकडाउन हो गया कोविड का, तो वो सिलसिला फिर चलता रहा। अब इस साल हमने कुछ उम्मीदें लगा रखी थी, अब देखिए हमने जो लॉस 5 अगस्त 2020 तक बनाया था वो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास था, और अब इस लॉकडाउन में हमने बता दिया है जो हमारा, इनफैक्ट रेस्ट ऑफ इंडिया में 2 ही लॉकडाउन, मगर हम तो तीसरा लॉकडाउन देख रहे हैं, और वो भी जो हमने 5-5, 6-6 महीने कंटिन्यूसली देखे। अब तो कश्मीर दिल्ली के साथ बन गया है, कुछ नहीं दिखाया हमने, हाँ यूटी बन गया है, हमको टोकन टैक्स में खाली उन्होंने डबल किया है। अगर हम यूटी है, अगर दिल्ली में रात के 3 बजे टैक्सी ड्राइवर या बस वाला या ऑटो वाला रोड पर आएगा, वो उस वक्त भी ₹1,000 कमाएगा। हमारे इधर कश्मीर में, स्वर्गीय कश्मीर में, नसब से भी ज़्यादा पॉपुलेशन सर्दी के द्वारा माइग्रेशन करते हैं, यहाँ से भागते हैं, हत्या कि यहाँ के जानवर भी यहाँ से भागते हैं। इधर हमारा कुछ ने डेवलपमेंट नहीं किया है, कुछ खाली वादे, बस कुछ ने खोखले वादे किए हैं। आप देखिए जो बिजनेस सिक हो गए हैं ओवर द टाइम, दे शुड बी रिवाइव्ड, उनको मौका मिलना चाहिए। इस मौका कौन देगा, ये गवर्नमेंट का काम है कि उनको एक हेल्पिंग हैंड दे, हैंड होल्डिंग करें ताकि वो अपना बिजनेस रिवाइव कर सकें। आई थिंक दिस इज़ द ओनली वायबल सोल्यूशन फॉर ऑल द बिजनेसेस।